हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन चीज़ जो हर साल ठंड के मौसम में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस, लकवे के चांसेस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के चांसेस रेगुलर टाइम या गर्मियों के मौसम से लगभग डबल देखने को मिलते हैं। लगभग 2 गुना ज़्यादा इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन कारणों को समझना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि इन्हीं कारणों को समझने में उनको रोकथाम करने का या उनसे बचने का तरीका छुपा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है कि ठंड के मौसम में आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है क्योंकि नलियाँ ठंड की वजह से थोड़ी सिकुड़ जाती है। बॉडी का नॉर्मली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा ठंड से बॉडी को एक्सपोज करते हो तो आपका नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल गड़बड़ा जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नलियों में अगर स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बहने लगता है तो ब्लड के क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है, आपका शुगर का कंट्रोल बिगड़ जाता है और आपके हार्ट अटैक्स होने का चांस बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल, उनका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल या शुगर का कंट्रोल भी ठंड के मौसम में कंपैरेटिवली ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं हार्ट अटैक, लकवा या किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, ये सारे ही कंट्रोल में हमारे ठंड के मौसम में करना इनको मुश्किल पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा ठंड से खुद को बचा सके, ठंड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने घर को, अपने बाहर के वातावरण में पड़ने वाली ठंड से अपने आप को बचा सके तो बहुत अच्छा होगा। घर पे खुद को बचाने के लिए आप घर के वातावरण को गर्म कर सकते हैं, हीटर्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, वार्मर्स का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में पड़ता है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता कि पूरे घर को आपको हीट करना पड़ता है, ज़्यादातर एरियाज़ में, हिली एरियाज़ या कुछ एरियाज़ में हो सकता है फिर भी इतना पड़ता हो, पर ओवरऑल इंडिया में उतना ज़्यादा ठंड ज़्यादातर एरियाज़ में नहीं देखा जाता। पर फिर भी अपने आप को अगर आप ठंड से बचाएंगे और खासकर